सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। तो यार बता दूं, मैं इनशॉट्स यूज़ करता हूँ। और सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए। तो मेरी सारी वीडियो उठा के देख डालो, एक या दो को छोड़ के, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एडिटिंग की हो। मोस्ट ऑफ द वीडियोज में सिर्फ रॉ जाती है। मुझे रॉ कंटेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन कुछ भी गलती भी हो जाती है, बहुत सारी वीडियो देखो मैंने बहुत गलत बोला है, मैं धोखे से गलत निकल जाता है, कई बार जवान स्लिप हो जाती है। तो मुझे आई प्रिफर कि मैं बोल दूँ सॉरी गलती हो गई, बट आई डोंट वॉन्ट टू एडिट दैट पार्ट, कट कर दूँ और लगे कि मैं हाउ मच गुड एंड नाइस एंड फाइन स्पीकर आई एम। तो ऐसा मोस्टली मैंने कभी नहीं किया और अभी भी नहीं करता हूँ। और तो यही बताना चाहता था कि एडिटिंग के लिए मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो मतलब बिल्कुल सिंपल हो यूज में, हाँ कोई ज़्यादा तीन तामड़ा नहीं, और थोड़ी जल्दी फास्ट तरीके से वो मेरी वीडियो को प्रोसेस कर सके और मैं जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। और प्रॉपर एडिटिंग सीखने की बात आई तो वो भी मैंने सीखी लैपटॉप से। जब वीडियो एडिटिंग करनी सीखी तो फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जिसमें मैंने बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज कर डाला और सब जो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने सीख डाली उसमें। तो वो ये बहुत वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, उसके लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा जो मेरा लैपटॉप का प्रोसेसर i5 है 10th जनरेशन, फिर भी उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा प्रोसेसर हो प्लस GPU भी अच्छा हो, तब थोड़ी फास्ट प्रोसेसिंग हो पाती है, क्योंकि आप एक के बाद एक लेयर लगाते हो। तो उस वजह से वीडियो प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर की दम चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लेके आधा आधा घंटे तक वो चल रहा है तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, मेरे को तुरंत वीडियो अपलोड करना रहता है कि हाँ अभी वीडियो बनाई तुरंत डालो यार, अब ये ज़्यादा टाइम मैम नहीं देना मेरे को। तो ये मेरा मेन बेसिक वो उसमें रहा। और यार तुम्हें सच बताऊं कि अगर मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ सो आई डोंट नीड सच वो मैसिव एडिटिंग। ठीक है, जो भी मुझे सुन रहा है अभी वो मुझे सुनेगा, लाख यहाँ पे बैकग्राउंड बदले या ना बदले, मैं जैसा बोल रहा हूँ मैं वैसे ही बोलूँगा। ठीक है, और अगर मेरा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है तो इट डजेंट मीन्स कि मेरे बैकग्राउंड में क्या है, वॉट आई थिंक, और नीचे लेटर्स लिख के आ रहे हैं और स्टाइलिश और ये फ्रेम ये वो, नहीं इट डजेंट मीन्स। ठीक है, अब बताने जा रहा हूँ इन शॉर्ट्स को पूरा यूज़ करके कैसे क्या है। बहुत सी सिंपल ऐप लगेगा और मैं रिकमेंड भी करूँगा, और एक बार मैंने ट्राई भी किया था ज्ञान थेरेपी देखते होंगे बहुत लोग, और तो उन्होंने एक रिकमेंड किया था तो उसका मैंने देखा तो उसमें वही प्रोसेसिंग वाली प्रॉब्लम थी, वीडियो अटक अटक के चलती थी। मीन्स जैसे आपने लेयर लगा दी दो, अब वीडियो अटक अटक के चलेगी, मतलब प्रोसेस नहीं हो पाता था उतना अच्छा जितना फाइन और रिफाइनमेंट मुझे इन शॉर्ट्स मिलता है। इवन मैंने सैमसंग वाला डिफॉल्ट भी यूज़ किया, वो भी खास बनता नहीं, उसमें भी टाइम लगता। तो ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था मेरे से, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एडिटिंग में मैं कभी ना विश्वास रखता था, अभी भी नहीं रखता हूँ और शायद नहीं भी रखूँगा। जो रियल है वो रियल है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग टिल द एंड। सो आई एम ऑन माई S9 Plus और इस फ़ोन में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगा इन शॉर्ट्स कैसा चलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाता है। तो इन शॉर्ट्स मैंने खोला तो इस हिसाब से कुछ आपको यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, और इसमें आप फोटो भी मैंने एडिट कर सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक अगर यूज़ किया है तो सिर्फ वीडियो पर्पस के वीडियो एडिटिंग के पर्पस इसको यूज़ किया है। तो ये देखिए सब पूछ, ये देखो अब तक ये 14 ड्राफ्ट दिखा रहा है, मीन्स अब तक मैं 14 वीडियोज़ इस फ़ोन के इन शॉर्ट से एडिट कर चुका हूँ। तो मैं न्यू में क्लिक करूँगा और फॉर एग्जांपल ये सब पूछेगा फोटो क्या करना है क्या है सब आप बता सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे को ये वीडियो एडिट करना है, ये अनबॉक्सिंग पड़ी है मैंने आज तक डाली नहीं कभी। जो फर्स्ट फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वाई इन शॉर्ट्स, ये देखिए जैसे इसका नीचे वाटरमार्क आ गया, लेकिन अगर मुझे इसे हटाना है तो ये बिना कुछ बदतमीजी किए आप सिर्फ उसे फ्री रिमूव कर दे और ये हट जाता है। तो ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी थी यार। कोई भी अगर आपने उसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, कोई भी आप अब तक देखें तो उसमें यार ये वाटरमार्क नहीं हटता है यार, दिक्कत करता है और शर्म आती है मुझे इसको दिखाने पे। अब देखिए अब यहाँ से आप जाके उसका कैनवास वगैरह फिट कर सकते हैं, इंस्टा के लिए डालनी है, किसी भी उसके लिए डालनी है, तो सारे फॉर्मेट यहाँ पड़े हैं। ठीक है, और किस हिसाब से जूम वगैरह करने चाहते हैं उस हिसाब से क्रॉप्ड हो जाता है एक हिसाब से, देखिए अब उस हिसाब से क्रॉप हो गया। अब म्यूज़िक की बात करें तो जैसे इस बैकग्राउंड में अभी आप देख रहे हैं पूरा 100% है, लेकिन जैसे मुझे कुछ वॉइस ओवर भी करना है और इफेक्ट भी डालने हैं और ट्रैक्स भी लगाने, सब कुछ मैं यहीं से लगा देता हूँ। अब देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उसमें रिकॉर्ड होगा। और जब मेरे को लगा हाँ यहाँ तक का ठीक है तो मैंने किया उसको ओके कर दिया, तो देखिए वहाँ तक लिए वॉइस ओवर भी हो गया। तो मुझे अनबॉक्सिंग के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, स्टिकर को भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट में लगा देता था
हाँ जैसे कुछ भी लिखना है मैं लिख दे रहा हूँ अन, कुछ मैंने एड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी आप चलते हो वीडियो में यहाँ लगा सकते हैं। और कितनी देर के लिए चाहिए आपको, ठीक है, कितनी देर के लिए चाहिए उसे, इससे इसको एक्सपेंड करके मैनेज भी कर सकते हैं। तो देखिए मैनेज हो गया। और फिल्टर्स वगैरह तो यार अब इसका बेसिक फीचर है। हाँ अभी इन्होंने रिसेंटली में, अभी मैं एक दो साल में तो उन्होंने, लेकिन हाँ रिसेंटली ये PIP पिक्चर इन पिक्चर वाला ये इन्होंने ऐड कर दिया है। मींस आप वीडियो में भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा वीडियो के ऊपर वीडियो या फोटो वो भी सब लग सकता है। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मीन्स दो चीज़ें, दो वीडियोज़ वगैरह तुम एक साथ ही अपने उसमें चला सकते हो। देखो यहाँ से दो वीडियो चलेंगे, ठीक है। प्री कट हो गया, स्प्लिट हो गया, जो भी आपको करना है। जैसे मुझे यहाँ से अब नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन, तो मैंने इसको यहाँ से स्प्लिट किया, ठीक है। और यहाँ से मैं जाके डिलीट कर दिया, देखो आगे की पूरी डिलीट हो गई। तो ऐसी बैकग्राउंड में मतलब कोई अगर डिज़ाइन वगैरह चाहते हो, वो सब क्रॉप करना चाहते हो, स्पीड बढ़ाना चाहते हो, जैसे अभी स्लो अनबॉक्सिंग हो रही है, अब फास्ट फास्ट होगी, ठीक है, वो भी अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो कुल मिला के ये ऐप भी इम्प्रूव कर रहा है मेरी तरीके। और वॉल्यूम रिप्लेस कोई चीज़ करना है, डुप्लीकेट मीन्स वही क्लिप आपको दोबारा से बैक साइड पर अटैच हो जाएगी, रिवर्स करना चाहते हो तो वापस से उल्टा होकर वीडियो चलेगी, रोटेट, फ्लिप, फ्रीज, स्टॉप भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर अब हमें देखने को मिल जाते हैं। इवन सेविंग के टाइम पे भी, जैसे हमें इसको सेव प्रेस किया तो ये सब पूछ रहा है, देखो 1080p की बनेगी, मैं इसे 4K, सारे ऑप्शन ही हैं, मैं रुके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रेजोल्यूशन कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं, 4K भी सेट कर सकते हैं, 4K एट 60 FPS। तो ये देखिए मतलब हर चीज़ का अब ऑप्शन दे रहा है। और जैसे सेव कर देते हैं, ये आराम से वीडियो सेव हो जाएगी और यहाँ पे ऐसा ड्राफ्ट भी ये हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ये ऐप सबसे ज़्यादा अच्छा है और अब तक मैंने यही यूज़ किया है। और सैमसंग वाला वो दोनों ने यूज़ किए, मुझे मैं बताऊँ मैं पहली वीडियो भी इसी से एडिट करके डाला हूँ, तो यार अब मुझे क्यों कैसे कोई और उससे मैं डाल पाऊँगा। तो ये ऐसा मुझे लगता है और यही मैंने आपको बता दिया। और ये अभी मैं अपने SNIPS के फ्रंट कैमरे से यहाँ रिकॉर्ड करने में लगा हूँ। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और S9 Plus काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका, आप अगर कहेंगे तो मैं इसका इन 2021 ये कैसा चल रहा है, वर्किंग फाइन और नॉट, सब एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों की डिमांड पे। तो चलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब हो सके तो वो भी कर लीजिए।